नितिन जी का अच्छा ही हुआ है, तो उम्मीद है कि अगली बार भी यही बन के आए। और हमारे मान में नितिन नवीन जी तो बहुत दिन से है, और कोई भी अच्छे घर की महिला राजनीतिक में नहीं आती थी। शत्रुघ्न सिन्हा जी तो खुद इतने सालों से बीजेपी में रहते हुए पार्टी बदल ली है। जैसे पुष्पम जी आ रही हैं, उनको भी सुन रहा है कि लंदन से आई। चुनौती तो वोट की ही लगती है, और काम जैसे नितिन जी का अच्छा ही हुआ है, तो उम्मीद है कि अगली बार भी यही बन के आएंगे। तो पुष्पम प्रिया भी तो है, महिला है, प्लस सीएम कैंडिडेट भी है, उनके काम से कोई अवगत अभी नहीं ना है, कोई जान नहीं रहा है। और हमारे मान में नितिन नवीन जी तो बहुत दिन से है, और उनके काम को लोग जान भी रहा है। मैं कदम कुआं मंडल अध्यक्ष संजू गुप्ता, और मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ, और मैं इनको बहुत दिन से जान रही हूँ, इनके काम को देख रही हूँ। और अभी तो इनके विपक्ष में सुषमा जी भी जो हुई थी, लेकिन नहीं लगता कि इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट होता तो पूरा। अभी तो फिलहाल इन्हीं को ही जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम लोग, उनको तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं हर तरह से। जैसे कि देखिए सुकन्या योजना का सामने आया काम, फिर सफाई का काम आया, जो कि घर घर जो कूड़ा उठाया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि घर घर आपको पूरा अच्छा काम, पूरा उठाने का भी काम किया जा रहा है। फिर महिलाओं को भी सशक्तिकरण के तहत उनको भी बढ़ाया जा रहा है। पहले इतनी महिलाएं बाहर नहीं निकलती, नहीं निकलती थी सुरक्षित, चाहे इतने दिनों से राजनीतिक चल रहा है, और कोई भी अच्छे घर की महिला राजनीतिक में नहीं आती थी, लेकिन आज आप देख लीजिए कि हर क्षेत्र में महिलाएं निकल रही है, बाहर रही है, महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये बताइए, लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के इतने बड़े बेटे हैं, लव सिन्हा भी तो शत्रुघ्न सिन्हा है। तो अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी तो खुद इतने सालों से बीजेपी में रहते हुए पार्टी बदल ली है। नहीं बदलते तो बाकीपुर से तो अच्छा करते ही, लेकिन तो वो अधिकतर तो वो यहाँ रहते ही नहीं थे, वो तो हर व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। सही बात, काम उनका अच्छा है, इसलिए हम लोग नितिन नवीन जी को बहुत। लक्ष्मीना भी तो बड़ा नाम है ना, स्टार के बेटे, नाम तो है लेकिन काम तो देखे नहीं है अभी तक। देखिएगा तब, नाम तो है लेकिन काम तो देखे नहीं है। जैसे पुष्पम जी आ रही हैं, उनको भी सुन रहा है कि लंदन से आई हैं, लेकिन उनका भी तो काम देखे नहीं है। गर्व करना चाहिए कि लंदन से कोई आदमी जो है बदलता, जब तक कि काम आप दिखाओगे नहीं कैसे कोई जानेगा। यहाँ तो जब पानी आया था ना जल जमा, तो उस समय आप लोगों को क्या लगा था कहाँ कोई आया था? अब क्या बोलो, हम लोग आए तो बोलना था जो पहले के कुछ साल पहले का और अभी का देखिए समय, आपको खुद ब खुद समझ जाएंगे। भूले नहीं है, लेकिन वो एक बैग से आ गया, वैसी परिस्थिति, पहले से इंतजाम नहीं था, तो हो सकता है थोड़ी पानी। हम लोग तो नहीं चिल्ला रहे थे, लेकिन हाँ वो चिल्ला रहे थे, और हम लोग समाज के नाते उन लोग की बहुत मदद भी की है, मैं और अंजू जी और भी लोग, हम लोग काफी ट्रैक्टर से बैठकर हम लोग पानी में घुस घुस के घर घर सामान भी बांटे थे हम लोग। अभी कोरोना काल में भी हम लोग खुद से घर से बना करके अपने फैमिली के द्वारा अपने भी मास्क वितरण किए, हम लोग कच्चा अन्न भी वितरण किए, पका करके ये बच्चे लोग भी मेरे से। पहले राजनीतिक में लेडीज नहीं आती थी, अब खुलेआम आ रही है, बस ये अच्छी बात है। देखा हमने, पहले राजनीति में महिलाएं कम आती थी, अब ऐसा है कि अब ये इनका मानना है कि ज्यादा आने लगी है, अच्छी बात है। लेकिन क्षेत्र का विधायक कौन होगा ये जल्दी फैसला जनता करेगी, क्योंकि 10 तारीख को काउंटिंग के बाद तय हो जाएगा कि बाकीपुर से कौन है विधायक। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़4नेशन, पटना।